मुंह पर मास्क नहीं है, आप खुद ही परिजन को देख रहे हैं। और देखिए परिजन कैमरा से छुप करके मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। बाहर में लिखा है कि नो मास्क नो एंट्री, नीचे में भी लिखा हुआ है। मैंने अभी देखा नो मास्क नो एंट्री पे दो पेशेंट कैसे खड़े थे। कहाँ पे? अभी खड़े थे तुरंत। अच्छा, तो हमने नहीं देखा। देख सकते हैं नजारा इस शौचालय का कि यहाँ पर हम भी खड़े हैं तो ये खड़े होने लायक नहीं है, जर्जर हालत में, बहुत जर्जर स्थिति में है ये। बोले तो ठीक है, पीछे फिर से लग जाइए आप लाइन में, उसके बाद देखते हैं। तो क्या आपको बार बार बोला जाएगा कि आप पीछे लग जाइए तो आप पीछे लग जाइएगा? जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जैन भारत की टीम रांची के सदर अस्पताल में पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं काफी मरीज लाइन पे लगे हुए हैं। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं काफी मरीज है जो काफी देर से खड़े हैं। और वहीं पर अभी हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये 3.5 घंटे से लगभग यहाँ पर खड़े हैं। ये जब आगे गए आपातकालीन कक्ष में हम खड़े हैं और ये जब गए आगे तो इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ। करीब 3.5 घंटे से ये भैया यहाँ पर खड़े हैं, इनका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं निकाला जा रहा है। 9 बजे आए थे सवेरे, तो जब वहाँ से जो टिकट कटाएं और उसके बाद ये बोले कि यहाँ पर जाके लाइन में लग जाइए, तो यहाँ से जाने के बाद फिर आए जाँच और एंट्री जाँच के लिए भेजा गया। वहाँ से जाँच कराने के बाद फिर अभी जब हम आए यहाँ पर तो बोले कि ठीक है पीछे फिर से लग जाइए आप लाइन में, उसके बाद देखते हैं। तो क्या आपको बार बार बोला जाएगा कि आप पीछे लग जाइए तो आप पीछे लग जाइएगा? तो सर सिस्टम जो है वो तो करना ही पड़ेगा ना, सब फॉलो कर रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं आगे नहीं जा सकते। हम यही कहना चाहेंगे कि जो जांच है वो तो जांच होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा लाइन में नहीं आना चाहिए और उसका तुरंत फिर जो भी है उसको कर देना चाहिए। जनता के लिए कुछ सुविधा? जनता के लिए सुविधा तो यही होना चाहिए कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि हम तो मेडिकल टेस्ट के लिए आए थे, वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए और एक ही जगह में पूरा सुविधा हो जाना चाहिए। जैसे आज जाँच के लिए हमको 3rd फ्लोर में जाना पड़ा, ENT के लिए फिर ग्राउंड फ्लोर में था और उसके बाद फिर वापस फिर हमको यहीं पर आना पड़ा। तो जैसा कि अभी हमने आपको आपातकालीन कक्ष का स्थिति और नज़ारा दिखाया, वहीं अभी हम दूसरी तरफ डायलिसिस कक्ष के पास मौजूद हैं। यहाँ अभी हम अंदर जाएंगे और आम जनता से मिलेंगे, उन वहाँ का नज़ारा देखते हैं और देखते हैं जनता किस स्थिति में है, जनता किस हालत में है। तो जैसा कि अभी हम डायलिसिस वाले वार्ड पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ज़्यादा पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत वेल मेंटेन तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और ये डायलिसिस पे जो पेशेंट्स बैठे रहते हैं उनके लिए 4 घंटा सफ़र करना, 5 घंटा सफ़र करना बहुत मुश्किल है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें कितने अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट्स दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगी कि वो आपको विजुअल के माध्यम से दिखाए, पेशेंट्स को दिखाए और उनके ट्रीटमेंट्स को दिखाए। वहीं अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं ये सदर अस्पताल के और भी वार्ड्स पे और वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो अभी हम चाइल्ड OPD के पास खड़े हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चेयर की भी व्यवस्था नहीं है बैठने की। जो मरीज के परिजन हैं वो ऐसे ही खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले गए अपने गोद में, ऐसे ही खड़े हुए हैं। यहाँ देखा जाता है कि कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एटलीस्ट एक चेयर का व्यवस्था किया जाता है, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक चेयर क्या, एक कुर्सी क्या, एक सोफे की भी व्यवस्था नहीं है कि इंसान यहाँ पर बैठ सके, अपने बच्चे को लेके, अपने बच्चे को लेके कोई भी परिजन बैठ सके इतने कष्ट में। ये काफ़ी देर तक वेट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर का नंबर आता है तब जाके ये दिखाते हैं। कोरोना चल रहा है, वो बच्चों को होने के चांसेस पे है, तो आप उसके लिए क्या एहतियात बरत रहे हैं? हमारे यहाँ 3 साल से यहाँ पे जो पहला जो कोरोना हुआ है, यहाँ पे हॉस्पिटल में कोरोना के लिए सारे मरीजों की अच्छी व्यवस्था है, सारे इलाज चल रहे हैं। 2nd लहर में, जो 3rd लहर में बच्चों के लिए जो कोरोना होने की संभावना थी, जो आके फिर चली भी गई, उसके लिए हमारे यहाँ PICU की व्यवस्था है। अगर सीरियस मरीज आता है तो हमारे यहाँ सारी सुविधाएँ हैं, PICU में बच्चे सीरियस मरीज एडमिट होंगे, हमारे वार्ड में सुविधा है, सारे मरीज का इलाज यहाँ पर फ्री में हो रहा है, आयुष्मान वाले जो मरीज हैं उनका भी इलाज हो रहा है। सभी तरह से हम लोग मुस्तैद हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और सब टीम वर्क हम लोग का एक है जो अच्छे से काम कर रहा है। मेरा कहना ये है कि अभी देखा जाता है कि मास्क पड़ा रहना चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में मास्क दिखते हैं, बट यहाँ मैं घुसी तो मुझे एक मास्क नहीं दिखा। भले ही वो मैं क्यों नहीं, मुझे भी तो कोरोना हो सकता है, मास्क क्यों नहीं? कहाँ का मास्क? मास्क तो पड़े रहना चाहिए। आप तो मास्क खुद नहीं पहन के आए हैं। मैं तो वही बोल रही हूँ ना, मैं मास्क नहीं पहनी हूँ, बट यहाँ पे अगर मास्क नहीं पड़ा रहेगा और कोई पेशेंट आ रहा है बाहर से वो मास्क नहीं पहन के आए, तो ये भी जिम्मेवारी बनती है हॉस्पिटल की। हाँ, तो मास्क बाहर में लिखा है कि नो मास्क नो एंट्री,
नीचे में भी लिखा हुआ है। मैंने अभी देखा नो मास्क नो एंट्री पे दो पेशेंट कैसे खड़े थे यहाँ? कहाँ पे? अभी खड़े थे तुरंत। अच्छा, तो हमने नहीं देखा। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है या फिर कोई परिजन नहीं है जो मास्क नहीं लगाता, पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कई लोगों के मुंह पे मास्क दिख रहा है, बट कितने लोग हैं जिनके मुंह पर मास्क नहीं है। किसी को कोरोना का डर नहीं है कि रांची में कोरोना फिर से आ रहा है, और किसी भी परिजन को कोरोना का डर नहीं है कि कोरोना वापस से आ सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो इकट्ठे होकर भीड़ लगा कर रह रहे हैं। यही सरकारी डिपार्टमेंट का ये है जो देखा जा रहा है कि सरकारी डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स का कहना रहता है कि सारी सुविधाएं दी जाती है, पर देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। आप खुद ही परिजन को देख रहे हैं, और देखिए परिजन कैमरा से छुप करके मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हम शौचालय के बाहर मौजूद है, और ये सदर अस्पताल का शौचालय है जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मरीज हैं, और ये मरीज यहाँ पर कैसे सरवाइव कर रहे हैं आप देख सकते हैं नज़ारा इस शौचालय का, कि यहाँ पर हम भी खड़े हैं तो ये खड़े होने लायक नहीं है, जर्जर हालत में, बहुत जर्जर स्थिति में है ये। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला हो या फिर कोई भी हो, वो कैसे जाएगा? कोई भी मरीज या कोई भी परिजन, एक मरीज के लिए तो छोड़ दीजिए सरवाइव करने की बात ही नहीं है, एक परिजन भी यहाँ पर जो रहेगा अपने मरीज के साथ, वो कैसे जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का स्थिति, यहाँ की हालत बहुत गंभीर है। यहाँ पर आम जनता खड़ी है, आइए इनसे बात करेंगे कि ये किस हालत में खड़ी है। खड़ा तो रहना पड़ेगा ना। खड़ा रहना पड़ेगा, मतलब आपको बीमारी हो जाएगा उससे आपको डर नहीं है, कोरोना हो जाएगा उससे डर नहीं है? डर तो है, बहुत डर है। तो आप कैसे खड़े? मास्क तो नहीं लगाए। मतलब आपको कोरोना मजाक लगता है? क्या बोलेंगे, अब सब खड़ा हुआ है, अब प्रशासन ऐसे बोलने से उसे जवाब नहीं देता ना, उस तरह का जवाब नहीं देता है। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग, हम लोग तो स्टाफ लोग को बोले तो यही है सब, अब क्या बोले। तो आप देख सकते हैं एक स्वास्थ्य विभाग या फिर जिला प्रशासन, शासन प्रशासन क्या कर रही है, वो कहती तो है वो सब कुछ करेगी, पर यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं रहा है। मैनेजर से बात करने के लिए गए तो मैनेजर साहब भी गायब है, और स्वास्थ्य विभाग का भी कोई हाल नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना गंदा है। यही कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में यही सुविधाएँ दी जाती है आम जनता को, कि एक परिजन और एक मरीज कैसे सर्वाइव कर रहा है इस हॉस्पिटल में रह के। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।